हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2020 का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आप सभी जानते हैं इस बात को, तो कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जो है इंडिया वालों ने इस चीज़ को मजाक में ले रखा है, लेकिन ऐसे ही मजाक में हम लेते रहे तो यही कंडीशन हो जाएगी जो आज इटली के अंदर हो सकती है। आप सभी जानते हैं इटली वालों ने जो है चाइना वालों का मजाक उड़ाया था कोरोना वायरस को लेकर के, और इसको जो है ज़्यादा सख्ती से नहीं लिया था कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा भी इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन आज जो है इटली के अंदर आप सभी जानते हैं मौत की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है और वहाँ पर बिल्कुल कत्लेआम हो रखा है। तो दोस्तों, ये नीट 2020 का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, हमारा मेन मुद्दा तो यही है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप दिन प्रतिदिन अपडेटेड रहो नीट 2020 एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जितने भी एग्जाम हमारे इंडिया में हो रहे थे, जो सेंटर लेवल के हों या स्टेट के हों, उन सभी को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर किसी स्टेट बोर्ड के हों, सभी को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ तक जो है एनटीए ने तो क्या किया है, एनटीए ने जो जेई मेंस का आपका एग्जाम है, जेईई मेंस, उसको भी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। जेई मेन 2020 को भी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपका कहाँ कब होना था, अप्रैल के अंदर होना था। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है स्टूडेंट्स के साथ कि वो तैयारी किस अकॉर्डिंग करें, क्या नीट 2020 का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम जो है आपका कब होना है, ये होना है 3 मई 2020 को आपका एग्जाम लिया जाना है नीट का। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें समय बचता है करीबन एक महीना और एक वीक के लगभग आपका टाइम बचता है, और इसके ऊपर अपडेट अभी तक कोई आई नहीं है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है या नहीं होने वाला। तो मैं बता दूं, अभी 31 मार्च तक तो टोटली पूरा ही मतलब लॉकडाउन कर दिया गया है काफ़ी स्टेट्स के अंदर। 31 मार्च तक काफ़ी स्टेट के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, जहां पर नहीं हुआ है वहां पर भी हो जाएगा, और ये कंडीशन जो है 15 अप्रैल तक बढ़ाई भी जा सकती है। इसके भी पूरे चांसेस लग रहे हैं, चांसेस नहीं इतना तो होगा ही होगा, 15 अप्रैल तक तो लॉकडाउन किया ही किया जाएगा, तब जाकर के जो है स्थिति कंट्रोल में आएगी। तो 15 अप्रैल तक तो ये लॉकडाउन कर दिया जाएगा सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा लॉकडाउन। उसके बाद भी दोस्तों, अगर लॉकडाउन 15 अप्रैल तक हटा लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल के बाद कोरोना वायरस का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म होगा और पूरा अप्रैल का महीना तो इजीली ले लेगा, फुल अप्रैल मंथ जो है ये तो पूरा इजीली ले ही लेगा, साथ में जो है मई के भी कुछ दिन हो सकते हैं। और अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो ये स्थिति कि आपका लॉकडाउन जो है और लंबा भी चल सकता है। तो दोस्तों, आपका एग्जाम होना है कब, 3 मई को, अप्रैल के मंथ में लॉकडाउन रहेगा ही, 3 मई को आपका एग्जाम होना है। तो मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम इस डेट को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी हम बात करें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये एग्जाम आपका पोस्टपोन जरूर होगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, और ओपिनियन जो बता रहा हूँ वो काफ़ी हद तक ठीक है, आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। अब जो है तैयारी पर आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है दोस्तों, तैयारी जो आपको करनी है ना, तैयारी प्रिपरेशन आपको जो भी करनी है वो इसी के अकॉर्डिंग करनी है, 3 मई के अकॉर्डिंग। 3 मई को आप पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए कि आज हमारा एग्जाम ले ले तो मैं जो है नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आऊँगा और वहाँ पर जो है उसको क्रैक कर दूंगा। तो इसके लिए जो है आप सभी जानते हैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर तो बंद हो चुके हैं, इसके लिए या तो आप ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लें, या फिर जो है सबसे बेस्ट तो यही है कि सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही जाकर के जो है आप 3 मई तक अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। रिवीजन करने जिनकी तैयारी हो रखी है, जिनकी तैयारी नहीं हो रखी उनको जो है सेल्फ स्टडी करनी है। एनसीईआरटी ये पढ़नी है दोस्तों, यहाँ से एनटीए जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस आ रखा है तो एग्जाम वगैरह कुछ होगा ही नहीं, 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी, इस अफवाह में बिल्कुल मत आएं, अपनी तैयारी करते रहें। हो सकता है ये 3 मई में ना हो तो जून में हो जाएगा, और जून में आपकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, आपका एग्जाम जो है ये 3 मई को ना होकर के जून में होने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, और 15 जून तक आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा, अगर ये कोरोना वायरस का इफेक्ट जल्द से जल्द खत्म भी हो जाता है तो 15 जून तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। पोस्टपोन होना है ये बात 99% श्योर हो गई, और बाकी श्योर कब हो जाएगी, जब आपका 27 मार्च को जब एडमिट कार्ड आने की डेट होगी, 27 मार्च को एडमिट कार्ड आपके आने हैं, लेकिन 27 मार्च को तो एडमिट कार्ड आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक तो
लॉकडाउन ही हो रखा है, सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया गया 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक तो यही साफ नहीं हो पाएगा कि कोरोना वायरस का इफेक्ट कब तक चलेगा या कब तक हम इस स्थिति पर कंट्रोल पा लेंगे। तो आपका एग्जाम पोस्टपोन होना है, इस बात की श्योरिटी जो है वो हो जाएगी 27 मार्च को। बाकी अभी भी आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मेरा ओपिनियन भी यही है, आप सभी का भी यही है कि एग्जाम तो पोस्टपोन होना है। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को सलाह दें, और अगर खुद स्टूडेंट्स देख रहा है, नीट एस्पिरेंट देख रहा है, तो वो इस बात पर ध्यान रखें कि आपको तैयारी जो है 3 मई के अकॉर्डिंग ही करनी है। 3 मई के अकॉर्डिंग अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद जितना भी टाइम आपको मिलेगा वो आप रिविजन में लगाएं, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से करें। और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि जिनकी तैयारी अच्छी है नहीं वो क्या करें, उनको भी मैं एक बार थोड़ी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ घर में सेल्फ स्टडी की। ये देखिएगा, आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 टॉपिक हैं। देखिए बायोलॉजी लगभग सभी की हो रखी है, ना भी हो रखी तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर NCERT ही पढ़नी है, NCERT ये पढ़ो, और उसके बाद जो है जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के MCQ जो है ये जरूर करने हैं। एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके पहले MCQ करो, तभी जो है आप दूसरे टॉपिक पर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पहले आपने सभी की सभी थ्योरी कर ली जितने भी चैप्टर हैं उसके बाद आप MCQ पे, ऐसा नहीं करना है। पहले टॉपिक पढ़ो उसके बाद MCQ, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो फिर उसके बाद MCQ। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री में करना है, पहले कोई भी टॉपिक तैयार करना है, ये तो आपकी हो ही जाएगी, मेन चीज़ आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, हर रोज़ आपको 3 घंटे जो है एक टॉपिक की थ्योरी पर पढ़ने हैं, मतलब कोई भी टॉपिक उठाओ उसकी थ्योरी पढ़ो 3 घंटे तक, और उसके बाद जो है 1 घंटे तक उसके MCQ करो। इस प्रकार करने हैं आपको, 3 घंटे में आपका इजीली एक नहीं तो 2 टॉपिक आपके इजीली कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक उठाइए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 घंटे आप टॉपिक पढ़िए, 1 घंटे आप उसका MCQ कीजिए, इससे जो है आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बात आपकी फिजिक्स की दोस्तों, फिजिक्स जो है यहाँ पर आपका स्कोर रहता है, कई बार तो नेगेटिव रह चला जाता है, कई बार 5 होता है, कई बार 10 होता है, कई बार 15, मैक्सिमम 50 तक आपका चला जाता है यहाँ पर स्कोर, इससे ज़्यादा जा ही नहीं पाता है फिजिक्स के अंदर। इसके लिए क्या करना है आपको, कुल मिलाकर के आप ऐसे टॉपिक्स देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बना के बताया है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर NTA के द्वारा। तो यहाँ पर आप कीजिएगा, मान के चलो 20 ऐसे टॉपिक निकाल लो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 टॉपिक हो गए, और अभी आपके पास 1 महीना तो ये, और 15 दिन पोस्टपोन के भी लगा लो, कम से कम लगा रहे हैं हम, बाकी जो है 1 महीने के लिए आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाला है, तो ऐसे लगा लो 2 महीने आपके पास बचते हैं, 2 मंथ्स आपके पास बचते हैं, और यहाँ पर है आपके 60 दिन, 60 दिनों में आपको करने हैं 20 टॉपिक। तो आप जो है क्या करें, एक टॉपिक लें, एक टॉपिक के ऊपर आप पूरे टू डेज बिताएं उस टॉपिक को, एक ही टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे सोचना है कि मैं बहुत पीछे हूँ, 20 ही टॉपिक कर लो आप, यहाँ पर से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन का मतलब है कि 80 नंबर तो आपके यहाँ से फिजिक्स में यहीं से बन जाएंगे। बाकी जो है कुछ क्वेश्चन वहाँ पर थ्योरी के भी आने हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी आने होते हैं, तो 20 क्वेश्चन तो आप कम से कम पक्का कर ही कर लो 1-1.5 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर आप 20 टॉपिक इतने अच्छे से कर लो कि एक टॉपिक को पहले 2-3 घंटे दो, उसके बाद उसके MCQ निकाल लो। इसी प्रकार आप करोगे तो आपके फिजिक्स के तो 20 टॉपिक ही बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और पोस्टपोन होने की खबर का आपको पता चल गया है, कोई अफवाह में नहीं आना है कि अब एग्जाम होगा, इतने दिन टलेगा, वो टलेगा, आपको जो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना है, जितना ज़्यादा स्टडी पर कंसंट्रेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अंतिम दिन जो है पूरे साल का निचोड़ होता है, और इन दिनों पढ़ाई नहीं करोगे तो बिल्कुल कम स्कोर आएगा, और इन दिनों पढ़ाई कर लोगे तो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई किया उनसे भी आप ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ाई इन दिनों में करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जो समझाया है वो आप सभी को समझ आ गया होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाएगी, स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे आपको हिस्सा लेना है, कैसे कॉलेज अलॉट होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।